निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश की धर्मपत्नी तथा प्रसिद्ध समाज सेविका अनीता सोम प्रकाश की ओर से जीटी रोड फगवाड़ा पर ठंडे मीठे जल की छबी लगवाई गई। इस पावन अवसर पर उनके साथ भाजपा की अनेक महिला काउंसलर, भारतीय जनता महिला मोर्चा की अनेक सीनियर नेत्रिया, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर तथा युवा नेता उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि अनीता सोम प्रकाश अपने समाज सेवा के कार्यों में सदैव अग्रणी भूमिका निभाने के लिए बेहद प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय है। फगवाड़ा से संवाददाता रमन बहल की रिपोर्ट, केआरटी न्यूज नेटवर्क। और सानू इन्नी खुशी महसूस हो रही है कि सारी संगत बड़े खुशी के नाल जल पी रही है, साढ़े नाल साढ़ा सहयोग दे रहे हैं मैडम अनीता सोम प्रकाश जी, असं उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शाम तक इसे तरह ही यह छबील का लंगर चलता रहे। असं सारी संगत को बेनती करते हैं, आओ ठंडी छबील पियो और धन धन होके जाओ। सारे कार्यशील बहुत बहुत मुबारक। पावन मौके दे उत्ते कोई संदेश देना चाहोगे? हाँ, मैं संदेश ये देना चाहती हाँ कि ठीक है छबील लगाने पर रोड के बीच नहीं जाना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक जाम हो रहा है और जेडे होर लोग भी छबील लगाने उन्होंने कहते हैं कि तू कॉर्नर से लगाओ कि ताकि ट्रैफिक ना अपना रुके, है ना। और इस जगह पर भी मैं सबको यही बेनती करती हाँ कि बड़े आराम के नाल सर्विस की जाए ताकि ट्रैफिक ना रुके, ट्रैफिक ना रुके अपना, है ना। एवन हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है कि उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूलकर सजाइए अपने सपनों का घर, ऑफिस, होटल, रिसोर्ट या फिर अपने कारोबारी बिल्डिंग को, फिर चाहे वे वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट में।